जबलपुर नेशनल हाईवे पर नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दो नकाबपोश बाइक सवारों ने चाकू मारकर रुपए लूट लिए। पनागर नेशनल हाईवे पर लूट की वारदात। जबलपुर के पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए पीड़ित गौरव क्रमाकर ने बताया कि दोपहर 3:30 बजे के आसपास वह नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर स्थित मुड़िया चौराहे पनागर से जबलपुर की ओर व्यापारियों को पैसा देने जा रहा था। तभी मुड़िया बाईपास के समीप उसकी स्विफ्ट डिजायर कार के बाजू से दो नकाबपोश निकले जो काले कलर की प्लेटिना में सवार थे, जो गौरव तरमाकर की गाड़ी के पास से गाड़ी लहराते हुए निकले। गौरव कुछ समझ पाता तभी नकाबपोशों ने उसकी कार के सामने अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। दुर्घटना से बचने के लिए गौरव ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। पीड़ित कुछ समझ पाता इसके पहले ही नकाबपोश लुटेरों ने उसके गले में गमछा खींचकर चाकू से वार कर कार की चाबी निकाल ली। उसी समय दूसरा आरोपी बाजू की सीट में रखे हुए बैग के अंदर पॉलिथीन में रखे 4,70,000 रुपये लेकर दोनों फरार हो गए। गौरव ने तुरंत पूरी घटना से अपने दोस्त को अवगत करवाया। तभी उसके दोस्त ने पनागर थाना प्रभारी को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना 3:05 के लगभग में है। मैं जा रहा था भमोदा बाईपास से होते हुए जबलपुर की तरफ। मुझे किसानों की पेमेंट करनी थी। मैं उनसे किसान से माल लेता हूँ, धान गेहूँ अनाज उनका, उनको पेमेंट बेच के पेमेंट कर लेता हूँ, उधार में माल लेते रहता हूँ। मुझे दो लोगों की पेमेंट करनी थी, ये मेरे पास 4,70,000 रुपये थे जो कि 1.5 लाख रुपये मैंने एक फ्रेंड से उधार लिए थे और कुछ पेमेंट मेरी रुकी हुई थी तो मैंने वो रिसीव की। उसके बाद एक प्लेटिना ब्लैक कलर की मुझे ओवरटेक करते हुए लहराई तो मैंने उनको चिल्लाया। मेरी गाड़ी के कांच खुले हुए थे सामने के, तो मैंने उनको आवाज़ लगा के चिल्लाया कि कैसी गाड़ी चला रहे। तो उन्होंने 4 कदम आगे गाड़ी रोकी है और मैंने भी इमरजेंसी ब्रेक लगा गाड़ी रोक दी अपनी कि ये भिड़ न जाए मेरे। और वो तुरंत पीछे से उतर के दो लोग आए, एक ने मेरा गमछा पकड़ के मुझे गेट की तरफ खींच लिया, उसके कारण मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उन्होंने 2 चाकू मारे हैं दो हाथ में और एक सीने में मारा, तो मैंने सीना पीछे किया है अपना, झुका हूँ तो शर्ट फटी है और बनियान में निशान है मेरे। और एक साइड से जो ड्राइवर साइड से मेरे को मार रहे थे और दूसरी साइड कंडक्टर साइड से पैसों का बैग, सफ़ेद कलर का पेपर बैग था जिसमें मेरे पैसे रखे हुए थे, तो वो उठाए हैं और गाड़ी की चाबी निकालते हुए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और बैग चले गए। नहीं मैं उनका पीछा कर नहीं पाया क्योंकि मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई थी। फिर मैंने हमन में फ़ोन लगाया दोस्तों को, तो दो एक पनागर में दोस्त था तो वो सीधे पुलिस लेके आया है साथ में। तो क्या आपने उन लोगों के चेहरे देखे हुए? नहीं, चेहरे नहीं देख पाए क्योंकि सब गमछा बांधे हुए थे और खड़ी धूप थी तो सभी बांधते हैं, तो मैं नॉर्मली उस चक्कर में रुक गया कि भाई कैसे रुक गए ये लोग। लगभग कितने बजे की घटना है? 3:05-10 की लगभग। किस स्थान की है? बमनौदा से मुड़िया बाईपास के बीचों बीच की है, जबलपुर की तरफ। अभी थाने में खड़े हुए है, अभी यहाँ FIR दर्ज वगैरह हो गई कि अभी नहीं? थाने में अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, बाकी पूछताछ मेरे से चल रही है और पता कर रहे हैं वो लोग कहाँ के। जबलपुर से हमारे संवाददाता एहतेशाम खान की रिपोर्ट।